ओके सो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और जितने भी इलेक्ट्रिकल जो हम इलेक्ट्रो पढ़ रहे हैं हम जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं जो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं उनका हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूज करते हैं और उनका प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं जैसे अगर हम हमारे घर में जो फैन लगा हुआ है वो फैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है ओके okay. अगर हम जनरेटर की बात करें हम एसी जनरेटर की बात करें हम डीसी जनरेटर की बात करें तो इन सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म कहीं ना कहीं ईएमआई के कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं ओके okay, तो इनमें जो कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं वहां कहीं ना कहीं हम इंडक्टर का यूज करते हैं कहीं ना कहीं हम कैपेसिटर का यूज करते हैं और रेजिस्टेंस तो होना ही है क्योंकि वो कॉपर केबल का बना हुआ है कॉपर वायर का बना हुआ तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही सही मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर हम देखें तो वो तीन चीजों से मिलकर बनी होगी उसमें एक इंडक्टर होगा उसमें एक कैपेसिटर होगा और उसमें एक रेजिस्टेंस होगा आर एल और सी तीनों कम्बाइनली काम करते हैं ओके okay. अगर हम इंडक्टर की बात करें अगर हम कैपेसिटर की बात करें और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं किस तरीके से उनका इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में बिहेवियर होता है वो सारे कॉन्सेप्ट हमको यहां पर देखना है ओके okay. सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं अगर हम कैपेसिटर की बात करें कैपेसिटर की अगर हम बात करें हमें कैपेसिटर की सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज समझना है कुछ प्रॉपर्टीज देखना है ओके okay. यहां पर इस टॉपिक का नाम आप लिख सकते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या लिख सकते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पहले हम चार्जिंग की बात करेंगे उसके बाद डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं चार्जिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है हम क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है ओके okay, जब हम डीसी पावर सप्लाई उसके अक्रॉस लगाते हैं तो वो कैसे चार्ज होगा वो हम देख रहे हैं अच्छा यहाँ पर कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा वो तो दूर की बात है पहले हम देखें कैपेसिटर वर्क कैसे करता है कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टीज है तो टॉपिक है हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर क्या देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी में अभी आपको बताने वाला हूं वह वे सारी प्रॉपर्टी आपने कभी नहीं देखी होगी कुछ अलग प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं ओके okay, तो ध्यान से आपको सारा कौन सा समझना है हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं कैपेसिटर हमको पता है पैरल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो अगर हमने इसके अक्रॉस वी वोल्ट लगाया पहली प्रॉपर्टी अगर हमने इसके अक्रॉस वी वोल्ट लगाया तो इसमें जो चार्ज क्यू स्टोर होगा दैट इज सी इंटू वी कितना स्टोर होगा सी इंटू वी ये C जो है दैट इज क्या है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर जिसको हम फेराड में मेजर करते हैं किसमें मेजर करते हैं फेराड में मेजर करते हैं एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसमें मेजर करते हैं फेराड में ओके अच्छा अगर हमको कैपेसिटर में करंट की बात करना है किसकी बात करना है करंट की बात करना है तो यहां पर इस क्यू को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ओके तो हमको मिलेगा C तो कांस्टेंट है V का डिफ्रेंशिएशन और ये है फंक्शन okay. होगा, होगा. इसलिए हमने लिखा आई टी और हम पहले देख चुके हैं कि जो भी टाइम वेरिएबल करंट होगा या कोई भी पैरामीटर टाइम के साथ में वेरी करता है तो उसे हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay. आई टी इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है कैपेसिटर का मतलब क्या है कैपेसिटर के के मत के लिए बनाने के लिए हम क्या करते हैं दो मेटल प्लेट के बीच में एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल फील कर देते हैं ओके okay, दो मेटल प्लेट के बीच में ये हमारे पास दो मेटल प्लेट थी और इसके बीच में एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल फील कर देते हैं और डायलेक्ट्रिक मटेरियल एक टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है क्योंकि अगर कंडक्टिंग हुआ तो फिर वो कैपेसिटर नहीं होगा फिर वो चार्ज को स्टोर नहीं करेगा मतलब कि बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल है फिर भी उससे करंट कैसे फ्लो हो सकता है उससे करंट फ्लो होता है जब पोटेंशियल टाइम के साथ में चेंज होता है कब करंट फ्लो होता है जब पोटेंशियल टाइम के साथ में चेंज होगा यहां पर हम अगर आई की बात करें करंट इन कैपेसिटर की बात करें तो इट इज इक्वल टू सी dV बाई डी टी अगर यहां पर पोटेंशियल दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो टाइम के साथ में अगर चेंज हो रहा है तो ही कैपेसिटर में करंट फ्लो होगा और इस टाइप के करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सा करंट कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे करंट को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है एक अलग टाइप का करंट है आप सोचो अगर हम करंट को डिफाइन करें तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यहां पर चार्ज है ही नहीं यहां पर करंट क्यों फ्लो हो रहा है क्योंकि करंट क्यों फ्लो हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है क्योंकि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ में वेरी कर रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है ओके जब कभी किसी किसी एरिया uh, का किसी रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रहा है या पोटेंशियल टाइम के साथ में चेंज होता है तो एक करंट फ्लो होता है जिसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट और कैपेसिटर में वही करंट फ्लो होता है ठीक है तो हमको सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखना है कि जब कभी हम कैपेसिटर के करंट की बात करेंगे तो वो करंट होगा सी इन टू डी वी बाई डी टी इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डी वी बाई डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट की जब कभी बात करेंगे तो हमको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है ये पहला प्रॉपर्टी हमने देखा दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा अब हम तीसरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर हम C की बात करें यहां से इस इक्वेशन से हम C फाइंड करें ओके okay, तो C क्या होगा दिस करंट I T डिवाइडेड बाय डी वी मतलब कि दिस C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि सी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जितना कम होगा पोटेंशियल में वेरिएशन जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा सी इज इनवर्सली प्रोपोर्ट मतलब कि ये जो कैपेसिटेंस है जो कैपेसिटर है इसका बिहेवियर ऐसा होता है जो करंट चेंज का नहीं पोटेंशियल चेंज का अपोज करता है किसका अपोज करता है तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैपेसिटर कैपेसिटर अपोजेस अपोजेस दी सडन चेंज सडन चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ओके कैपेसिटर अच्छा सडन चेंज क्यों ऐसा नहीं कि पोटेंशियल चेंज नहीं होने देगा क्योंकि अगर उसके अक्रॉस जीरो पोटेंशियल है तो फाइव वोल्ट टेन वोल्ट ट्वेल्व ट्वेंटी वोल्ट कैसे डेवलप होगा चेंज तो होगा ही सही ना पर धीरे धीरे चेंज होगा सडन चेंज नहीं होगा आप सोचो कि जीरो टाइम में हम उसको जीरो से फाइव वोल्ट चार्ज कर दें ये पॉसिबल नहीं है वो धीरे धीरे चार्ज होता है ओके okay, तो वो सडन चेंज का अपोज करता है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल एकदम से चेंज नहीं होने देगा धीरे धीरे चेंज होने देगा सडन चेंज का अपोज करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे फोर्थ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि अगर हमने कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाया ठीक है अगर हमने कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाया उसे चार्ज करने के लिए तो स्टार्टिंग में उसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो था कितना था जीरो था है ना और हमने बैटरी लगाया धीरे धीरे चार्ज होगा तो स्टार्टिंग में अगर जीरो था तो जीरो ही रहेगा फिर धीरे धीरे जीरो टी इक्वल टू जीरो पे वो कैसे बिहेव करेगा वो जीरो पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा मतलब कि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा है ना यहाँ पर अगर हमने कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर को टी इक्वल टू जीरो पर देखा तो वो कैसे बिहेव करेगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा हमको ये कॉन्सेप्ट लिखना है कि इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ध्यान से समझना है इनिशियली इनिशियली ओके अनचार्ज कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किटेड ओके ये हम uh, इसे रब करके ऊपर लिख लेते हैं ओके okay. तो हमने देखा इनिशियली क्या प्रॉपर्टी लिखना हमको टी इक्वल टू जीरो पे <coughs> सॉरी टी इक्वल टू जीरो पे वो अंचार्ज है उसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो है तो जीरो ही रहेगा क्योंकि सडन चेंज नहीं होगा ओके okay. तो हमने यहां पर लिखना है कि इनिशियली इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर कैपेसिटर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा यह कैपेसिटर है ओके okay? अगर हम इक्वल टू जीरो पर देखें तो यह कैसा बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा इसे शॉर्ट कर देना है थीके? और जब वो पूरा चार्ज हो जाएगा धीरे 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 क्या होगा वो चार्ज होने, चार्ज होने लगेगा चार्ज होने लगेगा चार्ज होने लगेगा जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल अब वो चार्ज नहीं होगा अब इंक्रीज नहीं होगा ओके okay? मतलब कि अब करंट फ्लो ही नहीं होगा चार्ज नहीं फ्लो रहा चार्ज का मतलब क्या कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि उसमें चार्ज इंटर कर रहा है और चार्ज जब तक इंटर करेगा तब तक करंट फ्लो होगा जब पूरा चार्ज हो जाएगा जब उसका पूरा पेट चार्ज से भर जाएगा वो स्टार्टिंग में भूखा था ठीक है धीरे धीरे वो चार्ज को खाते जा रहा है खाते जा रहा है खाते जा रहा है जब वो पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वो फिर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा अब वो चार्ज को आने नहीं देगा क्योंकि अब तो चार्ज हो गया है वो जितना मैक्सिमम चार्ज उसमें स्टोर होना था वो हो चुका है अब एक्स्ट्रा चार्ज उसमें एंटर नहीं हो सकता है मतलब कि अब करंट फ्लो नहीं हो सकता है और करंट फ्लो नहीं हो सकता है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी हमको लिखना है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट बिहेव लाइक ओपन सर्किट ठीक है मतलब कि हमने ये कैपेसिटर लिया बहुत टाइम बाद आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बहुत टाइम के बाद ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा जिसको हम टी टैंक्स टू इनफिनिटी भी कह सकते हैं टाइम के बाद में जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा अगर ये दो कॉन्सेप्ट हम समझ जाते हैं तो ही 50% परसेंट न्यूमेरिकल तो नीट और जेई के सॉल्व हो जाएंगे अगर ये दो कॉन्सेप्ट ही समझ जाते हैं कि अनचार्ज कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह भी ओके okay, yes. और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और चार्ज कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा अच्छा अगर किसी सर्किट में स्विच गिवन ही नहीं है अगर किसी सर्किट में स्विच ही नहीं गिवन है मतलब कि हम मान के चल रहे हैं कि बहुत पहले से वो स्विच वो सर्किट कनेक्टेड है मतलब कि अब वहां पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा हमको कैपेसिटर को ओपन कर देना है और फिर कैलकुलेशन करना अगर स्विच गिवन नहीं है तो और स्विच अगर गिवन है तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि बहुत टाइम से स्विच कनेक्टेड है कि इनिशियली आपको बात करना है ओके okay, तो फिर केस अलग अलग होगा अगर हमारे पास में स्विच कनेक्टेड नहीं है अभी आगे हमारे पास और कुछ प्रॉपर्टीज हैं ओके पर ये कुछ प्रॉपर्टीज अभी सफिशियंट है अगर हम ट्रांसजेंट रिस्पॉन्स की बात करें हम ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट की बात करें या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो ये सफिशियंट रहेगी तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने लिख ली अब हम बात करते हैं अगर, अगर हम डीसी सर्किट देख रहे हैं अगर हम डीसी सर्किट देख रहे हैं है ना डीसी सर्किट विथ कैपेसिटर विथ कैपेसिटर डीसी सर्किट विथ कैपेसिटर ध्यान से समझना आपको डीसी सर्किट विथ कैपेसिटर तो इसमें फर्स्ट केस व्हेन स्विच नॉट प्रेजेंट अगर सर्किट में स्विच प्रेजेंट नहीं है व्हेन स्विच नॉट प्रेजेंट अगर सर्किट में स्विच प्रेजेंट नहीं है जैसे कि आपने एक रेजिस्टेंस लिया एक कैपेसिटर लिया और एक बैटरी लगा दिया ठीक है ये R है ये वी नॉट है और ये C है कोई पूछे कितना करंट फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर को ओपन कर देना है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि बैटरी बहुत टाइम से कनेक्टेड है तो बहुत टाइम से कनेक्टेड है तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा पूरा चार्ज हो जाएगा अब चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा ओपन सर्किट ओके तो यहां पर इस कैपेसिटर को कैसा कर देना है ओपन सर्किट कर देना है तो ये ओपन सर्किट हो गया करंट कितना हो गया जीरो करंट कितना हो गया जीरो कोई आपसे कहे कि भैया लोगों बताओ कि कैपेसिटर के अक्रॉस और रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल तो आई इंटू आर होता है और आई का वैल्यू जीरो तो वी का वैल्यू भी जीरो तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू जीरो क्योंकि करंट जीरो है और अगर हम कैपेसिटर की बात करें हम वीसी की बात करें तो जितना भी पोटेंशियल हमने अप्लाई किया कैपेसिटर तो पूरा चार्ज हो गया है ना तो जितना हमने अप्लाई किया है उतने पोटेंशियल से वो चार्ज हो जाएगा मतलब उसके अक्रॉस का पोटेंशियल अगर हम वी की बात करें तो वी नॉट के बराबर होगा ओके जितना पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया है वही यहाँ पर मेंटेन होगा ओके तो वी सी इज इक्वल टू वी नॉट इतना आपको अगर हम और थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं ठीक है जैसे कि अगर हमारे पास में एक रजिस्टर है एक रजिस्टर और है एक कैपेसिटर है, है ना एक कैपेसिटर यहाँ लगा देते हैं हम और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया मान लेते हैं बैटरी है टेन वोल्ट का है ना टेन वोल्ट का रजिस्टर है टेन ओम का ये रेजिस्टेंस 20 ओम का और यहां पर रजिस्टर एक और हमने लगा दिया 30 ओम का ओके कोई आपसे पूछे कि बताओ दिस करंट आई ये करंट आई कितना है ये करंट आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये आई टू और ये आई थ्री कितना है ठीक है हमको पूछ ले कि फाइंड आई वन आई टू एंड आई थ्री ये बताओ भैया तो हम तो कैपेसिटर को बहुत टाइम से चार्ज मानेंगे है ना तो वो कैसे बिहेव करेगा कैसे बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो उसको ओपन कर दो तो सर्किट कैसा बनेगा आपका अब सर्किट आपका बन जाएगा यहाँ रजिस्टर है ये, है ना और ये ओपन सर्किट समझ में आ रहा है और यहां पर हमारा 20 ओम यहाँ पर 30 ओम यहाँ पर 10 ओम और यहाँ पर प्लस माइनस 10 वोल्ट का बेटे तो ये यह करंट यहाँ से स्टार्ट होगा I1 इधर करंट तो जीरो जाएगा तो I2 का वैल्यू कितना हो गया I2 टू इक्वल टू कितना हो गया I2 टू इक्वल टू बचा लोगो जीरो हो गया कितना हो गया I2 टू इक्वल टू जीरो हो गया अब I2 टू जीरो है तो यहाँ से सीधा करंट I3 इधर पहुंच जाएगा I3 का वैल्यू I1 के बराबर होगा और वो होगा टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ये वाला और ये वाला किस में आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा और कितना हो जाएगा 40 कितना हो जाएगा 10 प्लस थर्टी मतलब कि 10 बाई फोर्टी मतलब कि 0.25 पॉइंट ओके 0.25 पॉइंट तो यहां पर हमने देखा कि अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है एग्जाम टाइम में अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आवास में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं जब कैपेसिटर कनेक्टेड है तो हमको उस ब्रांच को ओपन कर देना है ठीक है उस ब्रांच को ओपन कर देना है उस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगा पर अगर आप नीट और जेई के क्वेश्चन की बात करेंगे तो थोड़ा सा लॉजिकल तो बनता है क्वेश्चन लॉजिकल तो बनते हैं ठीक है अगर उसने पूछा कि करंट नहीं पूछ लिया उसने पूछा चलो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया बताओ ओके okay, तो यहां पर हमको अगर फाइंड करना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया ओके ऑल्सो फाइंड ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो भी फाइंड करके बताओ ओके okay. कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो भी हमको फाइंड करके बताना है तो यहां पर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझ लेना है कि जितना पोटेंशियल इस थर्टी के अक्रॉस होगा उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस होगा क्यों क्योंकि इसमें से तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस 20 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब इसको हम हटा भी सकते हैं तो यहां पर कैपेसिटर और ये 30 समझ में। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 30 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और वो कितना होगा आई इंटू थर्टी ओम आई का वैल्यू कितना है वन बाई फोर इंटू थर्टी मतलब कि फिफ्टीन बाई टू मतलब कि सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट कितना आएगा सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट वापिस ध्यान से समझना है यहां पर जो रजिस्टेंस लगा हुआ था उस रजिस्टेंस में से करंट है जीरो कारण कितना है जीरो है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी जीरो होगा तो जितना इस 30 के अक्रॉस होगा उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो हमने ये भी फाइंड कर लिया कि कैपेसिटर कितने वोल्ट से चार्ज होगा इक्वेशन में आपको होमवर्क के लिए देता हूं इक्वेशन आपको खुद को सॉल्व करना है यहां पर हमने एक बैटरी का यूज किया ओके एक रेजिस्टेंस का यूज किया एक रेजिस्टेंस और हम यूज कर रहे हैं ठीक है और यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस के साथ में चलो यहां पर हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं ओके ये टेन ओम का ये ट्वेंटी ओम का ये थर्टी वोल्ट का बैटरी और यहां पर कैपेसिटर हमारे पास में टेन माइक्रोफेराट का गिवन है ठीक है तो हमको फाइंड करना है कि कैपेसिटर कितने वोल्ट से चार्ज होगा ओके थैंक यू वेरी मच हम देख रहे हैं बी पार्ट व्हेन स्विच इज कनेक्टेड ओके अगर सर्किट में स्विच अवेलेबल है स्विच कनेक्ट है तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रांजिएंट रिस्पांस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर करंट और वोल्टेज टाइम के साथ में वेरी होते हैं करंट और वोल्टेज टाइम के साथ में क्या होते हैं वेरी होते हैं जैसे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हमको चार्ज करना है हमने एक स्विच लगाया जो टी इक्वल टू ज़ीरो पर हमने क्लोज कर दिया था इसे हम एक बैटरी से चार्ज करेंगे ओके okay. यहाँ पर प्लस माइनस वी नॉट वोल्ट का बैटरी हमने लगाया और धीरे 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 यहां से जैसे स्विच को क्लो, क्लोज करेंगे कैपेसिटर धीरे-धीरे चार्ज होने लगेगा आर और सी ओके अगर हम टी इक्वल टू जीरो की बात करें टी इक्वल टू जीरो की बात करें स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद की बात करें तो यहाँ पर बैटरी बैटरी की तरह बिहेव करेगी स्विच क्लोज हो जाएगा रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा बताओ कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा मैंने आपको बताया था कि टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट तो यहां पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो इसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं हम ओके मतलब यहां से एक करंट फ्लो होने लगेगा उसको हम मैक्सिमम करंट कहेंगे आई जीरो विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर अगर हम के वी एल लगाते हैं अगर हम ओं स्लो लगाते हैं या के वी एल लगाते हैं तो इट इज वी नॉट बाई आर ओके टी इक्वल टू जीरो पर मैक्ममम करंट फ्लो होगा वी नॉट बाई आर और अगर हम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर वेरी लॉन्ग

ओके okay, तो इन्फिनिटी पे करंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है इन्फिनिटी पे करंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके okay? अगर हम इसे प्लॉट करें ध्यान से समझना है मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट शॉर्ट में बता रहा हूं अगर हम कैपेसिटर में करंट की बात करें जिसे हम कहते हैं आईसी टी रिस्पेक्ट टू टी तो इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा आई नॉट और धीरे 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 करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर धीरे 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 चार्ज होते जा रहा होते जा रहा होते जा रहा होते जा रहा और फाइनली पूरा जब चार्ज हो जाएगा तो उस पर करंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा कैपेसिटर धीरे धीरे पूरा कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा करंट उसमें जीरो हो जाएगा तो अगर हम इस करंट का इक्वेशन लिखें तो करंट का इक्वेशन होगा आई नॉट ये है आई नॉट ओके इसे हम आई नॉट लिख देते हैं ये है आई नॉट मैक्सिमम करंट ओके आई नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई ओके ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई टाओ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा करंट कैसा होगा एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा कैसा होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये टाव क्या है इसे हम कहेंगे टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ आर सी सर्किट क्या कहेंगे टाइम कॉन्स्टेंट टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ आर सी सर्किट ओके और इस टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना होता है आर इंटू सी के बराबर होता है मतलब इस कारण को हम लिख सकते हैं आई नॉट ई रेस्टू पावर माइनस टी बाई आर सी ओके एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा ई e मतलब एक्सपोनेंशियल ओके okay? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझना है अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा और उसका एक्सप्रेशन कितना है आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ईर पावर माइनस टी बाई आर सी आरसी मतलब कि टाइम कॉन्स्टेंट ओके अगर हम पोटेंशियल की बात करें अगर हम किसकी बात करें पोटेंशियल की बात करें तो हमने सबसे पहले अभी देख लिया करंट अब हम पोटेंशियल की बात करेंगे ओके okay, तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम वापिस लॉजिक लगाएंगे लॉजिक की हेल्प से हम पोटेंशियल ड्रॉप कर, कर सकते हैं उसका इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल इसे हम रब कर देते हैं इस साइड का ये आपने लिख लिया होगा अगर हम पोटेंशियल की बात करें पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर अक्रॉस कैपेसिटर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल की बात करें तो यहां पर कैपेसिटर जो है वो स्टार्टिंग में शॉर्ट था मतलब स्टार्टिंग में उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था जीरो और फाइनली वो पूरा चार्ज हो गया मतलब फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया वी नॉट मतलब वो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली चार्ज हो रहा है ऐसा 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 एक्सपोनेशियली चार्ज हो रहा है और कुछ टाइम के बाद वो पूरा चार्ज हो जाएगा ये है वी सी टी ओके पोटेंशियल जो है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका इक्वेशन अगर हम लिखेंगे वी सी टी का इक्वेशन हम लिखेंगे तो लिखेंगे वी नॉट वन माइनस ई रेस्टू पावर टी बाई टाउ वन माइनस ई रेस्ट पावर टी बाई टाउ हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं पर डेरिवेशन से ज्यादा हमको इस एक्सप्रेशन को समझना है ओके okay, डेरिवेशन हम समझ भी लेंगे पर उसका यूज अगर हम जेई मेंस एडवांस तक देखें तो ही होगा नीट लेवल पर और बोर्ड लेवल पर डेरिवेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमको केवल और केवल क्या देखना है फार्मूले को समझना है ठीक है कुछ लेक्चर्स हम ऐसे भी बनाएंगे जिसमें हम इसके स्पेशली डेरीवेशन की बात करेंगे हम कैसे ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं ओके okay, यहाँ पर हमको मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन याद होना चाहिए हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें हमको याद होना चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको याद होना चाहिए हमको ये सारे कॉन्सेप्ट जब तक पता नहीं होगा तब तक हम इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले हमको डिफरेंशियल इक्वेश इक्वेशन समझना पड़ेगा फिर हम इसका आगे बात करेंगे पर अभी हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन देख रहे हैं अगर हम इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करें तो करो टी इक्वल टू जीरो पुट वी सी एट ज़ीरो कितना आया वी नॉट वन माइनस ई रेस्ट टू पावर जीरो टू पावर ज़ीरो कितना होता है वन ई रेस्ट टू पावर जीरो कितना होता है वन तो यहां पर वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब इनिशियल पोटेंशियल कितना आया ज़ीरो आया ओके okay. अगर हम इन्फिनी पुट कर देते हैं मतलब वी एट इन्फिनिटी ओके तो वो होगा वी नॉट वन माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस इंफिनिटी और ई रेस्ट टू पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है जीरो कितना होता है जीरो होता है कैसे वन माइनस जीरो तो इट इज इक्वल टू वी नॉट कितना आया वी नॉट तो ये एक्सप्रेशन सही है और टाओ का वैल्यू आर सी टाओ का वैल्यू कितना आया आर सी आया तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल को देखा कि पोटेंशियल का ग्राफ जो है वह एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है यहाँ पर ये बातें हमको याद रख लेना है क्या याद रख लेना है कि अगर हम करंट की बात करें तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है पोटेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है और ये है उसका इक्वेशन ओके थैंक यू वेरी मच